अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू हो रही है बच्चों की सुबह की रूटीन से ही। चलें जी आपको भी दिखाते हैं बच्चे सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं। अभी तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम है और बच्चे अपनी नींद पूरी करके उठ गए हैं। दोनों में से अगर कोई एक पहले उठ जाए तो दूसरा आवाज़ सुन के ही उठ जाता है। फिर ये इस तरह बेड पे थोड़ी देर खेलते हैं आपस में। सुबह का टाइम एक्चुअली इनका रिलैक्सिंग प्ले टाइम है जिसमें ये लड़ते नहीं है। क्या कर रहे हो? जिन्हों नहीं आता नहीं आ। मस्तियां इनकी चलती रहेंगी। बस जी अब टाइम है हमारा ब्रेकफास्ट का, तो चले जिनको ऊपर लेके चलती हूँ। कल लेट नाइट मैंने बनाई थी बिरयानी, तो बस उसी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। बच्चों को भी आज मैंने राइस ही दे दिए कि वो कुछ खा ले, क्योंकि एग ये रोज ही जाया करते हैं, तो आज मैंने एग इनका स्किप कर दिया है। तो बस जिस चीज की उम्मीद ना हो वो बच्चे शौक से खा लेते हैं। और यहाँ पे दोनों अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। जुहान को मैंने अपने पास बिठा लिया है क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से कि मेरे साथ ना खाओ। साथ मैंने अपने लिए चाय बना ली है, और आजकल क्योंकि हमारी सफाई वाली नहीं आ रही तो अभी हम करेंगे जी बच्चों के साथ मिलकर सफाई। बस अब यही है कि हमें जल्दी से कोई हेल्पर मिल जाए, क्योंकि बच्चे आपको अकेले कोई काम करने नहीं देते। तो इन्होंने मिलकर जो है मेरे साथ सफाई करवाई, तो फिर इन्हें मैंने सैंडल्स पहना दी क्योंकि बहुत ज्यादा पानी में खेल रहे थे। सॉक्स और शूज तो इन्होंने अपने गीले कर लिए, फिर मैंने इन्हें फटाफट से सैंडल पहना दिए ताकि इन्हें ठंड ना लग जाए। बस जैसे तैसे करके मैंने अपना सारा काम कम्प्लीट कर लिया है। बच्चों का अब टाइम है फीडर लेने का, तो मैंने इनको दूध वगैरह गर्म करके डाल दिया है। अभी दोनों के कपड़े चेंज करने हैं, अभी देखें सैंडल्स में ही है और जहाँ तो थक के सो भी गया है। अभी इन्होंने कपड़े गीले किए हुए थे तो चेंज करने थे, अब जब उठेंगे तो तब चेंज करूंगी। और मैंने थोड़े से बर्तन वॉश करने थे तो मैं वो वॉश करने जा रही हूँ। जुहान अगर सोया हो तो फिर तो मेरे थोड़े बहुत काम हो जाते हैं, क्योंकि वो भी छोटा है ना, तो उसको ज़्यादा लुक आफ्टर करना पड़ता है। जल्दी से करते हैं बर्तन वॉश, फिर मैं सारी वेजिटेबल्स कट कर लूँगी तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। आज प्लान है मैक्रोनी बनाने का। ऊपर वाले इस रूम के अंदर हमने ज़्यादा चारपाइयाँ रखी हुई हैं क्योंकि मामा कम्फर्टेबल होती हैं ज़्यादा चारपाई पर, तो फिर एक देसी कमरा तो आपके घर में लाजमी होना चाहिए। अब मैं भी ज़रा आराम कर लूँ और अभी मैं रिलैक्स होकर बैठ के पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं अपने बाकी काम करूँगी। मैं ले आई हूँ वेजिटेबल्स कट करने के लिए, तो अभी देखिएगा अजलान भी मेरी हेल्प करने आ जाएगा और कैमरा देख के ना बड़ी क्यूट हरकतें करेगा। वेजिटेबल्स हो गई कट और देखें जुहान भी उठ गया है। मेरा बेटा उठ गया, मेरा बेटा उठ गया, ओ काका उठ गया, उठ गया, उधर तो दो उधर उठ गया। चलो अब हम कपड़े पहन के और फिर चुगे चुगे लेना जा चुगा दीदी चुस आइसक्रीम लेना, आइसक्रीम लेना। मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैक्रोनी बनाने की तैयारी, और आज हमारे पास सालन भी मौजूद है तो इसी से काम चला लेंगे। बच्चों को मैं ले आई हूँ नीचे।
ऊपर की सफाई तो मैंने कर ली थी, लेकिन बेडशीट वगैरह नीचे की सेट होना भी बाकी थी, तो मैंने कहा चलो बस आज वही सेट कर लेती हूँ। लेकिन बच्चों ने इतना तंग किया कि मुझे वो नहीं करने दी, फिर मैंने इन्हें कमरे से बाहर निकाल के वो सेट की। ये हो गया है जी नेक्स्ट डे और वीकेंड है, हस्बैंड घर है तो बच्चों के साथ मिलकर आज हमारा नाश्ता इकट्ठा हो रहा है। कामों से फ्री होके अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट सैलेड। तो यहाँ फ्रूट्स पड़ा हुआ था और बच्चे आजकल खा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी किसी काम में लाते हैं, और साथ में लेफ्ट ओवर मैक्रोनी पड़ी हुई है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। डिनर में आज मैं बनाऊंगी माश की दाल, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इसी तरह बच्चों के साथ कितनी जल्दी आपका वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस सिंपल सी कुछ कुछ रूटीन के मोमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और साथ बच्चों की प्यारी प्यारी शरारतें आपको दिखाई हैं, होप सो आपको अच्छी लगी होंगी। आजकल क्योंकि मामा घर नहीं थी, वो गई हुई थी छोटे बेबी के पास, तो बस इसी तरह की सिंपल रूटीन रही हमारी। और अगर आपको बच्चों की ये प्यारी प्यारी शरारतें अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। चलें जी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।